हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल की बैटरी को कैसे बढ़ा सकते हैं और फ़ोन की ओवरहीटिंग को कैसे कम कर सकते हैं। तो आइए चलिए, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद कनेक्शंस में जाना है, वाईफाई पे जाना है और वाईफाई को ऑन करके एडवांस में जाना है और यहाँ पर टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली होगा, इसको आपको बंद करना है। उसके बाद आपको बाहर निकलना है, बाहर निकल के आपको जीपीएस की सेटिंग्स ढूंढनी है। हर फ़ोन में अलग अलग जीपीएस की सेटिंग होती है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि जीपीएस की सेटिंग आपकी कहां पर है। अगर आपको जीपीएस की सेटिंग नहीं मिलती है तो आप सर्च में जाके लोकेशन टाइप करेंगे तो आपकी जीपीएस की सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पर मैंने लोकेशन पर टच किया, उसके बाद यहाँ पे जीपीएस को ऑन करना है, अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन करना है। उसके बाद इम्प्रूव एक्यूरेसी में जाके वाईफाई स्कैनिंग को बंद करना है और फिर आप जीपीएस को बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो फ़ोन की बैटरी है वो सबसे ज़्यादा आपका जो वाईफाई और जीपीएस है वो यूज़ करता है, जिसकी वजह से फ़ोन ओवरहीट होने लगता है। आप अपनी फालतू की ऐप्स को भी डिसेबल कर सकते हैं, जिससे कि प्रोसेसर भी हीट होना बंद हो जाएगा और प्रोसेसर भी फालतू की बैटरी खर्च नहीं हो पाएगी। मेन तो आप अगर गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल कर सकते हैं तो सबसे बेटर रहेगा, आप अगर चाहें तो बाद में इसको इनेबल कर सकते हैं। ये बार बार वाईफाई को ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है, तो ऐसा करके आप अपने मोबाइल की बैटरी और ओवरहीट की प्रॉब्लम को बिल्कुल रिजॉल्व कर देंगे और आपकी फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।